हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके अंदर उस परमात्मा ने, उस ईश्वर अल्लाह ईश्वर महा भगवान ने, उस शक्ति ने, उस परम शक्ति ने आपके अंदर अब कौन सी ताकतें भर दी हैं। पहले आप में क्या कमज़ोरी थी और जिससे अब आप उठ करके अपने आप को आपने एक मज़बूत इंसान बनाया है, क्या थे वो चेंजेस, इस वीडियो में हम यही बात करते हैं। बिफोर स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। देखिए, बिफोर स्पिरिचुअल अवेकनिंग था ये प्रोसेस कि एक बहुत ही पॉजिटिव अच्छे परिवार से एक लड़की आई, अच्छा रहन सहन था, सब कुछ बढ़िया था, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, बड़ों का मान सम्मान करना, इज्जत करना, सब कुछ अच्छा था, बड़ों की सेवा करना, ये सब चीज़ें थी। लेकिन कुछ पास्ट कर्मा ऐसे रहे जिनकी वजह से कुछ नेगेटिव लोग लाइफ में आ गए। वो लड़की समझ नहीं पाई, जैसे उनके घर का माहौल था उससे टोटली उल्टे वो लोग मिले। अब हुआ यूँ कि लड़की ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा किस तरह से कर सकता है। उसके दिमाग में बातें चलने लगी कि अब मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा करती, क्रोध करती, रोती, बिलबिलाती, तड़पती, लेकिन रिजल्ट उसको क्या मिला, उसको ही उल्टा दबा दिया गया। 7-8 साल तक उस लड़की को जो है वो दर्द भुगतना पड़ा, वो पेन भुगतना पड़ा, उन लोगों की नेगेटिविटी को झेलना पड़ा। बट जब पेन सर पर बहुत ज़्यादा अनलिमिट क्रॉस जब पेन की हो जाती है, तब भगवान हमारी मदद, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता ना, तब हम उस ईश्वर को सब कुछ सरेंडर करते हैं। जब हम परमात्मा को सरेंडर करते हैं, हम कहते हैं भगवान अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब आप ही हमें रास्ता दिखाइए, तब भगवान करते हैं हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तब आती है हमारी सोल पावर में, और उसके बाद होती है आप में मन की शक्ति की शुरुआत। तब आपका मन होता है बहुत मजबूत और तभी आपको ये यूनिवर्स के द्वारा साइन दिखाए जाते हैं, यूनिवर्स के द्वारा आपको ये अलग अलग तरह के सिंबल्स दिखाए जाते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। उस दौरान आपको बहुत मजबूत बना दिया जाता है उस भगवान के द्वारा, क्योंकि एक पावरफुल फोर्स हमेशा आपके साथ रहती है आपके गलत। फिर आप क्या करते हैं आफ्टर स्पिरिचुअल, अब आप में क्या चेंज आया है कुछ तो देखिए। वो जो पास्ट कर्मा थे आपने उनके साथ झेला, अब आप वहाँ पर 24 घंटे नेगेटिव एनर्जी नहीं भेजते हैं, आप सिर्फ एक बात कहते हैं, हे ईश्वर मुझे माफ़ करें, इन आत्माओं के साथ मेरा जो भी लेन देन है मैं इनसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। आपका एक तो जो नेचर है वो विरोधी नहीं रहा, क्षमा मांगने वाला रहा, बाय मन टू मन, माइंड टू माइंड। जहाँ पहले मैं नेगेटिव एनर्जी भेजती थी, आज मैं वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी भेजती हूँ, क्षमा की एनर्जी भेजती हूँ, लेकिन फिज़िकल फॉर्म में, फिज़िकल रूप में वो लोग मेरे सामने उपस्थित हैं, वो लोग मेरे आसपास हैं। अब चीज़ें जो गलत आती हैं, जो कि मैं पहले नेगेटिव एनर्जी भेजती थी तो रिज़ल्ट मुझे नेगेटिव ही मिलते थे, अब मैं करती हूँ कि मैं पॉजिटिव एनर्जी भेजती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, लेकिन फिज़िकल फॉर्म में वो जो लोग मेरे सामने खड़े हैं, गलत चीज़ों का मैं शांति से बता देती हूँ, ये चीज़ यहाँ पर गलत है, अब ऐसा नहीं चलेगा। तो मैं मन के मन जो पहले नेगेटिव एनर्जी भेजती थी रिज़ल्ट नेगेटिव आते थे, अब मैं मन से पॉजिटिव एनर्जी भेजती हूँ, क्षमा की एनर्जी भेजती हूँ, तो रिज़ल्ट मुझे पॉजिटिव आते हैं। और कुछ भगवान भी अपने आप को सिस्टम ऐसा बना देते हैं कि वो जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं वो खुद ही सबक सिखा देते हैं। उनके भी कुछ कर्माज होते हैं लोगों के साथ, जब दूसरे लोग उनकी लाइफ में आते हैं फिर उन्हें हमारे साथ उनकी कंपेयर होती है, जो और लोग उनकी लाइफ में आते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि हाँ वो पहले वाला इंसान यानी कि मैं बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, उन चीज़ों को उनका पता लगता है और वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद भगवान हमारी बहुत ज़्यादा मदद करना शुरू कर देते हैं। तो ये मैं सारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं कहीं से मन घड़ंत इधर उधर से उठा के कोई बात मैं आपको नहीं बताती। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, ऐसी ही अपडेट्स के लिए। मैं आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हर एक तरीके से, एक जीवन जीने को किस तरीके से आसान बनाया जाए, हर चीज़ में मैं आपकी मदद करूँगी। थैंक यू।